दौरान जो इंसान दिन के 24 घंटों में से अपने शरीर को एक घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए। सो हेलो दोस्तों, अच्छे कुमार की तो टिप्स देख ली, अब बात करते हैं टॉपिक की। जो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो ये है कि जो न्यू जिम ज्वाइन करते हैं या न्यू रनिंग ज्वाइन करते हैं, वो लोग अक्सर मिस्टेक किया करते हैं, जो हम भी करते थे, लेकिन अब तो हमारा एक्सपीरियंस जो है वो अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों को बता रहे हैं दोस्तों। टॉपिक नंबर वन जो है, मिस्टेक अक्सर सब लोग करते हैं ज़्यादातर दोस्तों, सुबह उठा और उठने के बाद ही दौड़ चालू कर दी, रनिंग लगाना चालू कर दिया, स्टार्ट कर दिया, तो थोड़े दिन के बाद क्या होता है दोस्तों, जोड़ों में दर्द होने लगते हैं, जैसे मांसपेशियाँ खिंचने लगती हैं, ज़्यादा लंबी दौड़ कम टाइम में फिर नहीं लग पाती। तो ये मिस्टेक ना करो दोस्तों, वार्म अप जरूर करो, वार्म अप करने के बाद ही दौड़ करें या वार्म अप करने के बाद ही जिम करें, क्योंकि बहुत अच्छा रिजल्ट अगर चाहते हो पाना तो दोस्तों वार्म अप जरूर करें। अपने शरीर को पूरा अच्छे से जब करोगे वार्म अप, तो आपका शरीर से पूरा खून की जो दौड़ान रहती है अपनी अपनी जगह पर अच्छे से काम करना चालू कर देती है, और शरीर की हर अंग के जो मसल्स रहते हैं, हड्डी रहते हैं, वो सब ग्रोथ करना चालू कर देती है। स्टेप नंबर टू है दोस्तों, आपकी ग्रोथ इसलिए नहीं बढ़ती है, जिम चाहे जितना कर लो दोस्तों, ग्रोथ तभी बढ़ेगी जब आप तीन चीज़ों का याद रखेंगे, नाइट में सोना, सोने का टाइम, और उसके बाद डाइट का टाइम, और उसके बाद दोस्तों माइंड कनेक्शन, मेन चीज जो माइंड कनेक्शन रहते हैं। अगर किसी भी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हो दोस्तों, तो उसमें अगर माइंड का कनेक्शन नहीं करोगे, या चेस्ट के कर रहे हो तो, अगर चेस्ट की वर्कआउट कर रहे हो तो माइंड का कनेक्शन अगर नहीं करोगे दोस्तों, तो ग्रोथ जल्दी से नहीं होगी। पर बड़े बड़े यूट्यूबर कहते रहे, कोई भी एक्सरसाइज करो दोस्तों तो माइंड कनेक्शन उसमें ज़रूर लगाओ, उसको देखो पंप कर रहा है कि नहीं, या वहाँ पे ज़्यादा चेस्ट में जैसे कर रहे हो तो चेस्ट फूल रही कि नहीं फूल रही, इसमें पंप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। थ्री टिप्स जो अक्सर लोग मिस्टेक किया करते हैं, नाइट में नींद नहीं ले पाते हो, सुबह उठे जिम तो कर लेते हो 2 घंटा, लेकिन अपनी नींद को टाइम नहीं दे पाते हो। सो दोस्तों, रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि दिन में 2 घंटा जैसे जिम करते हो, तो रात्रि में कम से कम 10 घंटा नींद तो ज़रूर लो, क्योंकि दोस्तों 10 घंटा नींद आपकी ज़रूर ज़रूर चाहिए आपको अच्छी हेल्थ पाने के लिए, अच्छी ग्रोथ पाने के लिए, या अच्छे से आपकी कम टाइम में ज़्यादा जल्दी चेस्ट या पूरा शरीर की बॉडी मेंटेन करने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और क्योंकि मेंटेन करना भी चाहिए। अक्षय कुमार कहते हैं दोस्तों, शाम को 6 बजे खाना खाना चाहिए और 9 बजे सो जाना चाहिए, और सुबह अच्छी 4 बजे नींद तुम्हारी पूरी भी हो जाएगी और वर्कआउट करने में मन भी लगेगा। सो दोस्तों, उनकी भी अच्छी बात है, क्योंकि जो लोगों का पेट या फैट ज़्यादा रहता है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लोग अक्सर रात्रि में 6 बजे खाना खाने के बाद 9 बजे या 10 बजे ही सोएं, क्योंकि वो खाना पच जाता है, उसके बाद अगर सोओगे तो फैट कम आपका बढ़ेगा, क्योंकि खाना पच जाता है। अगर खाने के बाद ही सो जाओगे तो दोस्तों फैट आपका ज़्यादा बढ़ेगा और चर्बी आपकी ज़्यादा निकलेगी पेट की। सो दोस्तों, जो चौथी मिस्टेक टिप्स है वो दोस्तों ये है, आप लोग डाइट पर अच्छे से ध्यान दें, तेल वाली सामान खाएँ ही मत, कभी खाना हो तो अपने घर पे ही बनाएं और सरसों के तेल से ही बनाएं और दूसरे तेल से मत बनाएं। जो दोस्तों 5 टिप्स है, इसमें हम कमी नहीं बता रहे हैं, इसमें अच्छी ग्रोथ बढ़ाने के लिए आप लोगों को सप्लीमेंट के बारे में बता रहे हैं, जिसमें 1 भी रुपये आपका नहीं लगेगा, केवल टाइम आपका लगेगा बनाने में। सो दोस्तों, आप थोड़े से गेहूँ ले लें, गेहूँ तो सबके घर पर रहते हैं फ़िलहाल में, गेहूँ ले लें, उनमें पैसे नहीं लगते दोस्तों, गेहूँ ले लें और अपने खाने के हिसाब से गेहूँ धुल लें, धुल के और उनको उबाल लें, पानी में डाल के उबाल लें, उबालने के बाद दोस्तों नमक डाल लें, सेंधा नमक या कोई भी नमक, और प्याज व्याज डाल लें वगैरह वगैरह, जो भी तुमको खाना हो डाल लें तुम्हारे हिसाब से, और उसको रोज़ खाएं लगातार, सुबह जिम के आधा घंटा के बाद रोज़ खाएं, जिसमें जिसके पास पैसे 1 भी नहीं है वो ये अपना सकते हैं, और अच्छी से अच्छी सप्लीमेंट भी इसके आगे फेल हैं, क्योंकि दोस्तों ये हम भी ट्राई करते हैं और हम खाते भी हैं, और दोस्तों ये बहुत अच्छी सप्लीमेंट से भी अच्छी वो है, जो
आपको हानि कभी नहीं पहुंचाएगी, आपके शरीर की जो भी कमियां हैं उनको पूरी करेगी और आपकी ग्रोथ भी बढ़ाएगी और शरीर आपका 30 दिनों में खुद ही आपका रिजल्ट सामने आ जाएगा, आपका वेट भी बढ़ जाएगा, आपका फिगर भी अच्छा दिखने लगेगा और जिम अगर साथ में करते रहोगे ना दोस्तों तो बहुत अच्छा फिगर बन जाएगा। और हम भी यही कर रहे हैं, सारे तरीके देसी सब अपना रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और अपने देसी जिम आरके को सपोर्ट कर ही देना, लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है दोस्तों फेसबुक और इंस्टाग्राम, उसमें भी अपना प्यार दिखा देना। सो दोस्तों न्यू वीडियो के साथ फिर आऊँगा। जय हिंद, जय भारत।